नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है दी न्यूज़ 9X पर। आप हमारे वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, इसी तरह प्यार देते रहें। महाराष्ट्र की राजनीति इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। चुनाव नतीजे के कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ये सवाल बना हुआ है कि आखिर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नियमों के तहत मंगलवार को राजभवन जाकर अपना इस्तीफा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंप दिया। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद रहे। हालांकि शिंदे नई सरकार बनाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा। इस सवाल का जवाब तलाशते हुए, मौजूदा घटनाक्रम और बयानों को ध्यान में रखते हुए ये स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे हैं। बीजेपी के भीतर और बाहर फडणवीस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। वहीं दर्शकों बता दें, शिंदे गुट और बीजेपी के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर तकरार के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। शिंदे समर्थक खुलकर इस बात की मांग सामने रख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनाए जाए। शिवसेना के शिंदे गुट ने हवन पूजा और प्रार्थनाओं के माध्यम से अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश की। मुंबई में शिवसेना की आध्यात्मिक सेना ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की कामना के साथ हवन किया, जबकि सैकड़ों महिलाएं सिद्धि विनायक मंदिर में प्रार्थना के लिए पहुंची। शिंदे गुट के नेताओं ने साफ तौर पर संकेत दिया कि अगर शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनते तो बीजेपी के लिए राजनीतिक चुनौतियां बढ़ सकती है। उनके नेताओं का मानना है कि आगामी बीएमसी चुनाव में शिंदे मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपते समय देवेंद्र फडणवीस का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। वीडियो में देखा गया कि फडणवीस अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बेहद आश्वस्त नजर आ रहे थे। ये आत्मविश्वास कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि बीजेपी ने फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की योजना बना ली है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में सत्ता बनाए रखने और फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तीन तरह के प्लान बनाए हैं। उस प्लान पर हम बात कर लेते हैं। प्लान ए, आम सहमति से सरकार बनाना। प्लान ए के तहत बीजेपी चाहती है कि शिंदे गुट और अजीत पवार गुट दोनों फडणवीस के नाम पर सहमत हो जाएं। ये सबसे आदर्श स्थिति होगी, क्योंकि महायुक्ति के पास कुल 230 विधायक हैं। हालांकि शिंदे गुट की ओर से जारी बयान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस योजना पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा। प्लान बी, एनसीपी अजीत गुट के साथ गठबंधन। यदि शिंदे गुट फडणवीस के नाम पर सहमत नहीं होते हैं तो बीजेपी अजीत पवार गुट के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। एनसीपी अजीत गुट और बीजेपी के पास कुल मिलाकर 173 विधायक हैं, जो बहुमत के लिए 145 विधायकों के आंकड़ों से काफ़ी ज़्यादा है। इस स्थिति में शिंदे गुट की आवश्यकता नहीं होगी। प्लान सी, बहुमत जुटाने का अंतिम प्रयास। अगर प्लान ए और प्लान बी दोनों फेल्ड हो जाता है तो बीजेपी प्लान सी का सहारा लेगी। इसमें बीजेपी अपने 132 विधायकों के साथ निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों को मिलाकर बहुमत का आंकड़ा जुटाएगी। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के कुछ विधायक बीजेपी के समर्थन में काम कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हो, क्या शिंदे बीजेपी के लिए ज़रूरी है? एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखना बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़रूरी है। शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से मराठी अस्मिता को बल मिलता है, जिससे बीजेपी की छवि मजबूत होती है। अगर शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनते तो विपक्षी मराठी अस्मिता के नाम पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर सकता है। बीजेपी को ये भी चिंता है, अगर शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उद्धव गुट को फायदा होगा। उद्धव गुट बीजेपी पर शिवसेना को तोड़ने और मराठी मानुष के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगा सकता है। वहीं इस बीच सूत्रों के मुताबिक एक खबर आई है सामने, शिंदे गुट ने अजीत पवार गुट से मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन मांगा है। दोनों गुट के बीच इस मुद्दे पर एक घंटे तक चर्चा हुई। हालांकि अजीत पवार ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी फॉर्मूले पर कोई बातचीत नहीं हुई है। वहीं इस बीच सवाल ये भी उठता है, क्या बीजेपी शिंदे के बिना सरकार बना सकती है? क्या ये संभावना बेहद कम है? बीजेपी शिंदे को अलग रखकर सरकार बनाएगी। शिंदे न केवल बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद हैं, बल्कि महायुक्ति को स्थिरता देने में भी उनकी महती भूमिका है। शिंदे गुट का दावा है कि वे असली शिवसेना हैं। चुनाव आयोग में शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी है।
ऐसे में शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखना बीजेपी के लिए काफी जरूरी है ताकि उद्धव गुट के प्रभाव को कमजोर किया जा सके। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही ये सियासी खींचतान अभी कुछ दिन और जारी रह सकती है। हालांकि अधिकतर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि देवेंद्र फडणवीस ही महायुक्ति बनेंगे। शिंदे को मनाने के लिए बीजेपी कई तरह के प्रलोभन और कोशिश करेंगी ताकि सर्वसम्मति से फैसला लिया जा सके। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति इस समय अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार के बीच खींचतान जारी है। बीजेपी ने अपनी रणनीति के 3 प्लान में बांटकर हर स्थिति के लिए तैयार कर लिया है। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर करवट लेती है और राज्य को नया मुख्यमंत्री आखिरकार कौन मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमें ये ज़रूर बताएं कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।